हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एके क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर भी कि आज हम ट्रकों की भरमार ले गए हैं, ट्रकों का भंडार लेके आए हैं। हर क्वेश्चन पर ट्रिक होगी, तो आज शुरू करते हैं ट्रकों का भंडार। तो फर्स्ट ट्रिक होगी ट्रिक नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन आ जाए, किस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, वन अपॉन वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई फाइव प्लस प्लस वन फाइव इंटू सेवन प्लस वन बाई सेवन इंटू नाइन प्लस नाइन इंटू इलेवन प्लस वन बाई इलेवन इंटू ट्वेल्व। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए और कभी भी एग्जाम में, तो आप तो लोग देख के ही घबरा जाओगे कि सर ये तो 2 सेकंड में तो होगा ही नहीं, पर इसका आंसर हम 2 सेकंड में लगाएंगे। इसका आंसर सिर्फ ओनली 2 सेकंड में। जैसे ये कितनी बार है, पहले ये गिनेंगे कितनी बार दे रखा है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार दे रखा है, 6। ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितना दे रखा है, 1 1 6 बार, तो ऊपर 6 लिखेंगे, ऊपर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। और नीचे फर्स्ट में जो क्या दे रखा है, 1, तो इंटू 1, और लास्ट में क्या दे रखा है, 13, 13, लास्ट में क्या दे रखा है, 13। बस इसको गुणा करेंगे, 6 बाई 13, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे वन बाई वन इंटू फाइव प्लस वन बाई फाइव इंटू नाइन प्लस वन बाई नाइन इंटू थर्टीन इंटू वन बाई थर्टीन इंटू सेवेंटीन प्लस वन बाई सेवेंटी इंटू 21। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, इसमें भी वही करना है। कैसे, क्या करना है कि ऊपर कितनी बार गिनेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी बार है पांच बार, नीचे 5 लिखेंगे, फिर नीचे पहले में क्या है, 5, लास्ट में क्या है, 21 इंटू 21, पहला अंक कौन सा है, 1 इंटू लास्ट में 21, तो इसको क्या लिखेंगे, 5/21, ये हो जाएगा राइट आंसर। पर ये ट्रिक कब लगानी है, जब इन दोनों का अंतर दे रखा हो। जैसे इन दोनों का अंतर कितना है, 2, इनका अंतर कितना है दो, मतलब समान अंतर आए, और समान ही जैसे 1 आए 3 1 इंटू 3, तो ये 3 से ही स्टार्ट हो, 3 इंटू 5 5 से ही स्टार्ट यहाँ पे हो, मतलब अपने नेक्स्ट पद से स्टार्ट हो, और इनका अंतर भी सेम होना चाहिए। जैसे इस प्रकार, जैसे 1 अपॉन 1 इंटू 5, अब 1 और 5 में कितना अंतर है, 5 में से 1 जाएंगे तो कितना, 4 अंतर है, यहाँ पर भी कितना है, 4 अंतर, यहाँ पर भी कितना है, 4 अंतर, यहाँ पर भी कितना है, 4 अंतर, और यहाँ पर भी 4 अंतर है, और लास्ट वाला और फर्स्ट वाला डिजिट सेम है, देखो। तो इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनमें ये ट्रिक लगानी है अपन को, ये ट्रिक लगानी है। आ गया समझ में? ट्रिक नंबर दो देखते हैं। ये ट्रिक नंबर दो में क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 2 + 1 × 2^4 + 1 × 2^8 + 1 × 2^16 + 1 × 2^32 + 1। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, 2 + 1 × 2^2 + 1, जैसे यहाँ इनकी पावर देखते हैं, जैसे इनकी पावर है 1 है यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर हो गया, दोगुनी होगी, फिर इसका दोगुना ये होगा, हो गया 2^4, 2^4 का दोगुना क्या होगा, 2^8, फिर 2^16, 2^32। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना कि लास्ट में कितनी पावर है, 2^32, लास्ट में कितनी पावर है, 2^32, तो 2^32, तो 2^32 है, 32 है, तो इसकी पावर को 2 से गुना करना है, इसकी पावर को कितने से, 2 से, तो इसकी पावर को 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 2^64, और इसमें से क्या कर देंगे, प्लस माइनस, इसमें से क्या करेंगे, -1, इसमें से 1 घटा देंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना था, लास्ट में ये 2 की लास्ट में कितनी पावर है, 2^32 दे रखा है, लास्ट में जितनी भी पावर हो उसका डबल करेंगे, उसका क्या करेंगे, डबल, 2^32 दे रखा है तो 2^64 क्या करेंगे, डबल करेंगे, और उसमें से -1 कर देंगे, उसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करो, जैसे इसी ट्रिक पर आधारित, जैसे दे दिया 2 + 1 × 2^2 + 1 × 2^4 + 1 × 2^8 + 1, ये दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है,
कुछ नहीं करना, बस लास्ट में दो की पावर कितना दे रखा है, आठ। दो की पावर कितना दे रखा है, आठ। तो दो की पावर आठ का डबल कितना हो जाएगा, आठ दूनी सोलह, दो की पावर सोलह कितना हो जाएगा, दो की पावर सोलह, और इसमें से एक घटाना है माइनस एक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रिक पर देखते हैं, ट्रिक नंबर तीन। ट्रिक नंबर तीन में क्या देखते हैं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया, जैसे क्वेश्चन x बराबर अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस ऐसे अनंत तक दे रखा है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आ जाए, 42 प्लस अंडर रूट में फिर 42 प्लस अंडर रूट में फिर 42 ऐसे अनंत तक दे रखा हो, तो कुछ नहीं करना, बस इसका इसको दो ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका अंतर एक हो। इसको दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर एक हो। जैसे छः इंटू सात, जैसे छः संते बयालीस, क्या आ गया, छः संते बयालीस, और छः और सात का अंतर कितना है एक, अंतर भी कितना है एक, तो एक अंतर ऐसे दो उनमें काट, अभाज्य गुणनखंडों में दो गुणनखंडों में बांटना है जिसका अंतर कितना हो एक हो। अब जैसे छः और सात इनका अंतर कितना है एक, तो अगर यदि यहाँ पर प्लस दे रखा है तो इसका जो अंतर बड़ी वाली जो संख्या है ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब एक्स बराबर सात। यदि यहाँ पर प्लस दे रखा है तो बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार अगर यदि जैसे क्वेश्चन दे दिया x बराबर अंडर रूट बयालीस प्लस अंडर रूट बयालीस माइनस अंडर रूट बयालीस, और ये क्वेश्चन दे दिया अनंत तक दे रखा है, तो इसमें कुछ नहीं करना, फैक्टर करें 6 इंटू सात, अंतर कितना है इनका एक, तो इसमें क्या दे रखा है माइनस, क्या दे रखा है माइनस, माइनस दे रखा है, तो x का मान जो छोटी वाली संख्या होगी वो आ गया x बराबर 6। जैसे इसका सेम क्वेश्चन है, बस प्लस माइनस, अगर यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी संख्या होती और माइनस होगा तो सात, छोटी संख्या होगी। इसी पर जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि x बराबर क्या ज्ञात करना है, 12 प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक दे रखा है। इसमें क्या करना है, 12 इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर ऐसे कर लो, फैक्टर करो तो 3 इंटू चार, इनका अंतर भी कितना है एक, अंतर हमेशा एक आना चाहिए, अंतर क्या आना चाहिए एक आना चाहिए, 3 इंटू चार, तो क्या दे रखा है प्लस, प्लस तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, जो भी लास्ट में जो ट्रिक आएगी वो इतनी शानदार होगी कि आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसलिए पूरी वीडियो को बहुत जरूर करना। क्वेश्चन ट्रिक नंबर आ जाएगी 4, ट्रिक नंबर कौन सी आ जाएगी 4, तो ट्रिक नंबर 4 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे दिया जैसे a माइनस थ्री प्लस b माइनस फोर का होल स्क्वायर होल की पावर 4 दे दिया प्लस c माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 0 है, और हमें क्या करके ज्ञात करना है a प्लस b प्लस c अंडर रूट में, हमें अंडर रूट a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप तो देखते ही घबरा जाओगे, a इसको इसके होल स्क्वायर खोलेंगे, फिर इसका खोलेंगे, फिर इसका खोलेंगे, फिर उसमें से भी समीकरण आएगा, उससे भी ABC के मान बहुत टफ हो जाएगा, तो सिर्फ मात्र 2 सेकंड में करना है, कितने 2 सेकंड में। तो इस अगर मैं इसका मान 0 कब होगा, जब A का मान कितना होगा, A बराबर कितना होगा 3, और इसका मान 0 कब होगा, जब B का मान 4 होगा, और इसका मान 0 कब होगा, जब C का मान 9 होगा, तो A बराबर कितना आएगा 3, B बराबर कितना आएगा 4, और C बराबर कितना आएगा 9, C बराबर कितना जाएगा 9, इसमें रखेंगे तो अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 9, और कितना हो जाएगा 3 और 4 7 7 और 9 16 16, अंडर रूट 16, और इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। इसी पे जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रहा दिया a माइनस 4 की पावर 5 प्लस स्क्वायर b माइनस 5 की पावर स्क्वायर प्लस c माइनस 7 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें क्वेश्चन में यही मान ज्ञात करना है क्या, अंडर रूट ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, क्या यहाँ पर 0 कब होगा, ये बराबर में 0 दे रखा है, ये बराबर में क्या दे रखा है 0, बराबर में क्या दे रखा है 0। अब ये यहाँ पर 0 कब होगा, जब ए का मान कितना आएगा 4, बी का मान कितना आएगा 5, इसका मान 0 कब होगा, जब बी माइनस 5, और इसका मान 0 कब होगा, जब सी का मान 7 होगा, तो मान रखेंगे ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5, प्लस सी का मान कितना है 7, कितना है 7, तो 4 प्लस 5 9 9 और 7 16, अंडर रूट 16 बराबर 4, इसका राइट आंसर होगा 4, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 5, कौन सी देखते हैं, ट्रिक नंबर 5।
वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जरूर। ट्रिक नंबर फाइव क्या है? क्वेश्चन दे दिया, वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन थ्री। क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि वन अपॉन वन प्लस, ये इस प्रकार से दे रखा है कि वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, इस प्रकार से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी दे रखा है तो आप देख कर ही घबरा जाओगे, इसको ऐसे एलसीएम लोगे, फिर उसके बाद में फिर उसको बद्र गुणा करोगे, तो सिर्फ मात्र क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो बस हमें क्या करना है, ये लास्ट में 1/3 इसको उठाना है, किसको उठाना है, लास्ट वाली संख्या को उठाना है, कुछ क्या करना है, लास्ट वाली संख्या, तो इसको ऊपर क्या है 1, तो इसको 1 को ऐसे लिख लेना है, और उसके नीचे क्या है 3, तो इस 3 को ऐसे लिख लेना है। अब इसमें कुछ नहीं करना, बस प्लस के अंक ज्ञात करने की, प्लस के अंक कितनी बार प्लस का दे रखा है, तो 1, 2, 3 और 4 कितनी बार दे रखा है, 4 बार प्लस का, तो 4 डॉट कर देंगे, 1, 2, 3, 4 कितनी बार प्लस का दे रखा है, 4 बार। अब क्या करना है कि 1 और 3 इनको दोनों को जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 1 और 3, 4, फिर 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 7, फिर 4 और 7 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 11, फिर 7 और 11 को जोड़ेंगे कितना जाएगा, 11 और 7, 18। अब ये लास्ट के दो अंक लेने हैं, लास्ट के कितने अंक लेने हैं, ये दोनों अंक लेने हैं। अब ये दोनों अंक कैसे, कि पहले पहले ऊपर कौन सी संख्या थी 1, तो ऐसे ही ऊपर पहले वाली संख्या, फिर नीचे दूसरी वाली संख्या, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर, ये इसका क्या होगा, आंसर, राइट आंसर। इसी पर जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन 5, कितना दे दिया, 5 दे दिया, तो क्या करना है, एक को लिखना है, कितना, इसको इसको लिखना है, तो 1 लिख दिया, फिर किसको लिखना है, 5 को, 1 के नीचे क्या, 5, अब इसको प्लस गिनना कितना है, 1, 2, 3, 4 कितनी बार है, 4, तो 4 डॉट डॉट कर देंगे, 4 डॉट डॉट कर देंगे, 1 और 5 6 6 और 5 11 11 और 6 18 18 और 6 1 और 5 6 6 और 5 11 11 और 6 17 11 और 6 17 और 5 11 11 और 6 18 कितने हो जाते, 28 कितने हो जाते, 28 कितने हो जाएंगे, 28, तो कुछ नहीं करना, लास्ट में दो दे रखें, तो इसमें 17 ऊपर और 28 नीचे, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ट्रिक नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिक नंबर 6, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ट्रिक नंबर कौन सी होगी, 6, तो ट्रिक नंबर 6 में क्या क्वेश्चन है, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, जैसे 1/7 जैसे अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, कि जैसे 1/7 कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है 7, कितना है यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना है, जैसे अगर इस 9 से 52 में इस 63 को काटूँ, 9 से 63 को काटेंगे कितना आएगा, 7, मतलब सेम संख्या आ गई। तो इस प्रकार का, जिस इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो बस आप तो देख कर घबरा जाओगे, छोड़ जाओगे, तो कुछ नहीं करना, बस सिर्फ मात्र 2 सेकंड में आंसर देंगे हम अभी। देखो इसमें क्या करना है, लास्ट में कितना है 9, कितनी बार है 1 बार, तो 1 9 को लिखेंगे, कितनी बार है 1 है 9 1 बार, और फिर इसमें कितनी बार 9 है 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, कितना 3 0, ये इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन दूसरा दे दिया, जैसे क्वेश्चन दे दिया 1/5 + 9999 494/95 और इनटू में क्या दे दिया, इनटू दे दिया 99। सेम क्वेश्चन है, क्या है कि यहाँ पर क्या दे रखा है 5, अगर 99 को मैं इससे 495 को 99 से काटूंगा तो कितना जाएगा, 5 बार मतलब सेम संख्या बार कट रहा है, तो कितना है लास्ट में, कितना है, कितनी बार 9 है 2 बार, कितनी बार है 9 2 बार, तो 2 9 लिख देंगे, 2 9 लिख देंगे, और यहाँ पर कितनी बार है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे, कितनी 4 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिक नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिक नंबर कितनी होगी, 7, ट्रिक नंबर 7, तो ट्रिक नंबर 7 में जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 76 54 इंटू 76 56, ये दो संख्याएं, इनका अगर यदि गुना करें, मतलब गुना करें, और गुना करने पर एक जो भी गुणन आएगा, जो भी गुणन, मतलब जो भी इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है, और जो भी गुणन करना आएगा वो पूर्ण वर्ग की संख्या होनी चाहिए, मतलब उसमें कितना ऐड करें, मतलब ये दे रखा है, तो कितना ऐड करें,
कितना ऐड करें, ऐड करें कि एक पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 76 × 54 × 76 ये गुणे में दे रखा है, गुणे में, और इसमें यदि इनका गुणा करने पर जो संख्या आती है तो उसको कितना, उसमें कितना ऐड करें कि वो एक पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाए, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करना है कि इस प्रकार क्वेश्चन दे दिया, जैसे इनको गुणा करेंगे, अब आप लोग क्या करोगे, इनको गुणा करोगे, उसके बाद में उसमें पूर्ण वर्ग वर्गमूल देखेंगे, फिर पूर्ण वर्ग संख्या में कितना ऐड करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना, इसका सिर्फ मात्र एक सेकंड आंसर होगा, 76 × 54 और ये कितना है 76 × 56, इसका अंतर कितना होगा, सिर्फ इनका अंतर लिखाना है, इनका अंतर अगर मैं खड़ा हूँ 76 × 54 × 56 इनका अंतर हो जाएगा 2, इनका अंतर कितना हो जाएगा 2। उसमें कुछ नहीं करना, उसमें 2 का भाग दे देना, उसमें 2 का भाग दे देना, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, उसका वर्ग कर देना है, उसका वर्ग कर देना है, 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1, उसको ऐड कर देना, उसको ऐड कर देना, अगर उसमें एक को अपन ऐड कर देंगे तो एक पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग की संख्या बन जाएगी। अरे गर्मी लग रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 8, कौन क्या होगी, ट्रिक नंबर 8, ट्रिक नंबर 8। तो ट्रिक नंबर 8 क्या होगी कि जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर दे दिया x प्लस वन अपॉन x बराबर 2, और हमें क्या ज्ञात करना है, x की पावर 439 प्लस 1 अपॉन x की पावर 278, ये हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1 अपॉन x की बराबर 2 है, तो इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान, अब आप तो पावर 2 क्योंकि 439 है, कितनी बड़ी पावर है, इसका कब तक करेंगे, और इससे x का मान भी क्या लिखना है, जब भी अगर x प्लस 1 अपॉन x कितना दे रखा है 2 दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो अपन को सिर्फ x की वैल्यू क्या माननी है, x बराबर 1, x की वैल्यू क्या माननी है 1, अगर x की वैल्यू यहां पर 1 रखें तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 तो कितना जाएगा 2, तो 2 यहां दे रखा है, तो ये मतलब संतुष्ट कर रहा है, तो x बराबर 1, तो इसमें x की पावर बना रखेंगे, तो x की पावर 401 की पावर 439 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 की पावर 278, अब 1 की पावर कितना भी हो, कितना भी हो, उसका मान तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, 1 प्लस 1 कितना जाएगा 2, मतलब x प्लस 1 अपॉन x जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो, x प्लस 1 अपॉन x का मान जब भी क्वेश्चन में 2 दे रखा हो, तो कितने भी पावर हो उन x प्लस अगर 1 अपॉन x में कितनी भी पावर हो उसका हमेशा मान कितना आएगा 2, हमेशा मान क्या आएगा उसका 2। जैसे क्वेश्चन दूसरा बताता हूँ, x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 दे रखा है, और x की पावर 649 प्लस 1 अपॉन x की पावर 375 हमें ज्ञात करना है, तो जब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है और x प्लस 1 अपॉन x का मान 2 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमेशा 2 क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आप तो 2 लगा देना, हल करने की जरूरत भी नहीं होगी, हल करने की जरूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, इसके बाद ट्रिक नंबर अपनी है 9, लास्ट ट्रेन वाली ट्रिक बहुत मज़ेदार होगी, ट्रेन वाली ट्रिक बहुत मज़ेदार होगी, वीडियो को जरूर देखना, पूरी स्किप मत करना। ट्रिक नंबर 9, ट्रिक नंबर क्या है 9, ट्रिक नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 × a − b − c − 3 है, ये क्वेश्चन दे रखा है, और इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, फाइंड क्या ज्ञात करवा रहा है, a + b + c का मान ज्ञात करवा रहा है, इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो, जब भी a² + b² + c² बराबर 2 ए कोष्टक में a − b − c − 3, तो इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो देखते ही, मतलब देखते ही हल हो जाएगा, जैसे a के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, a के मल्टीप्लाई में 1 दे रखा है, 1 है, जब भी जो 1 है तो a का मान कितना हो जाएगा 1, a का मान कितना हो जाएगा 1, b के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है −1 −1, तो b का मान कितना आ जाएगा −1, c के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है c में माइनस, तो −1, c का मान कितना जाएगा −1, ये मान रख दो 1 −1 −1 कितना आ जाएगा 1 से, तो 1 कट गया, इसका आंसर आ जाएगा −1, इसका राइट आंसर आ जाएगा −1। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दे रखा है a² + b² + c² = 2 × a + b + c = −3 है, तो ए बी सी ज्ञात करना है, a + b + c ज्ञात करना है, क्या करना है a प्लस बी, मान क्या है a के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है a = 1, b के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है b = 1, और c के मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है c = 1, क्या दे रखा है c = 1, तो a + b + c, तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 10, ट्रिक नंबर 10, तो ट्रिक नंबर 10 क्या है कि जब भी कोई संख्या दे रखी हो,
कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे 3005 ये संख्या दे रखी है, और इसमें ज्ञात करना है कि भाई ये डिविजिबिलिटी किससे करना है, बाई सेवन मतलब ये संख्या ज्ञात करनी है कि भाई ये 7 से डिवाइड है या नहीं है, है या नहीं है। तो बस क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तीन तीन के पेयर बनाना है। जैसे ये संख्या दे रखी है तो इसमें लास्ट के तीन एक पेयर बन जाएगा, लास्ट के एक पेयर बन गया, दूसरा कितना तीन डिजिट दूसरा पेयर बन गया, और तीसरे में तो एक संख्या बची है। अगर इसमें आगे भी कोई संख्या होती तो उसमें भी हम तीन ले लेते तीन संख्या ने, तो ऐसे तीन तीन के पेयर बनाना है, तीन तीन के पेयर बनाना है। और क्या करना है कि जो लास्ट वाले पेयर को फर्स्ट वाले पेयर में ऐड करना है, लास्ट वाले पेयर को फर्स्ट वाले ऐड करना है। तो कितना दे रखा है, 92 और 3 95, कितना जाएगा 92 और 3 95, और जो बीच का पेयर बचा है, बीच का जो पेयर बचा है उसको माइनस कर देना है। माइनस कितना जाएगा 25, कितना जाएगा माइनस 25, तो माइनस 25 बीच वाले पेयर को जब माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 0 70, कितना जाएगा 70। अगर यदि ये 7 से विभाजित है, अगर ये 7 का भाग जाता है तो ये संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। जैसे 7 का भाग गया 10, तो ये संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 15 806 और 784, इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें 7 का डिविजन करना, डिविजिबिलिटी मतलब 7 का भाग देना है, इसमें क्या करना है 7 का भाग देना। ये आपके लिए होमवर्क का काम रहेगा। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसी ट्रिकों के साथ। धन्यवाद, ये होमवर्क के लिए जरूर करना, कमेंट जरूर करना है।